हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आई एम सरिता शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पोएट्री सेक्शन और पोइट्री सेक्शन हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो कि हमारे सिलेबस की मेन कोर्स बुक है और दोनों ही पोएम वैसे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई हैं लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही हेल्पिंग uh, हैंड आपके लिए साबित होते हैं ये आपकी वोकेबलरी को बहुत एनरिच करवाते हैं शेक वाइब्रेट मीन हिलाना हेमलोग ट्री अ पॉइनस ट्री एक जहरीला पेट मूड फ्रेम ऑफ माइंड रूड वेस्ट डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स तो ये सारे वर्ड मीनिंग आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं एंड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने में या लिखने में आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रूव होंगे और आपको जरूर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है नाव वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका और जो इनके राइटअप्स थे वो पहले अमेरिका में पब्लिश होने के बजाय वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए एंड हिज आर रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिकल स्पीच और जो जितने भी इनके राइटअप्स रहे हैं जितने भी इन्होंने पोइम्स लिखी हैं वो हमेशा रियल लाइफ को और रूरल लाइफ को डिपिक करते हैं और उन्हें उन उसमें इनकी पूरी तरह से कमांड भी है तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन बहुत ही फेमस पॉइंट रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की समरी द वे अक्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हमलेप ट्री इस पोएम में क्रो और हेमलोक ट्री दो ऐसे बैड ओमंस माने गए हैं यानी एक अपशकुन की दो चीज़ें मानी गई हैं जो कि डेथ का डिप्रेशन का और ग्लूम का सिंबल्स होते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी इस पोएम में बताया गया है कि जैसे पोएट एक हेमलोक ट्री के नीचे यानी एक पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा होता है अ क्रो कम्स एक एक क्रो आता है एंड शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलोक ट्री और वो अपने विंग्स के थ्रू जैसे ही पेड़ को शेक करता है हिलाता है वाइब्रेट करता है तो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव हैड आईड और उसे लगता है कि एटलीस्ट जो भी उसका मूड ठीक नहीं होता ज हालांकि पोइम में ऐसा बताया नहीं गया लेकिन ही वॉज इन अ बैड मूड जैसे ही डस्ट ऑफ पार्टिकल्स पोइट पर गिरते हैं तो उसका मूड अचानक चेंज हो जाता है एंड वो सोचता है कि मैंने एटलीस्ट अपना बाकी का दिन बचा लिया है और वो कि वो दिन मैं अपना बाकी के क्रिएटिव वर्क में लगाऊंगा क्योंकि बताया गया है कि जैसे क्रो और हेमलोक ट्री दो बैड ओमन्स हैं लेकिन इसमें सिर्फ क्रो और हेमलोक ट्री की वजह से पोइट का जो भी बेकार मूड होता है जो कि बैड मूड होता है और वो अच्छे मूड में चेंज हो जाता है और बाकी का उसे लगता है कि मैं अब अपना दिन बहुत ही अच्छे क्रिएटिविटी में लगाऊंगा, अच्छा काम करने में लगाऊंगा, तो वो इसलिए इसलिए वो उसे लगता है कि ये बिल्कुल हमारी गलत थिंकिंग होती है कि कोई भी गुड वमन होता है या बैड वमन होता है ऐसा हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है थैंक यू सो मच